वो तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाएंगे मम्मी फटाफट बता दो। सूजी का चिल्ला। सूजी का चिल्ला बनाएंगे आज गाइस हम। तो ये रहा अपना सूजी जो हमने एक कटोरी ले रखा है, और ये है मम्मी क्या मैदा, ये भी एक कटोरी ले रखा है, और ये क्या सूजी है जी? चावल की आटा 2 चम्मच ले जाएंगे। अच्छा ये चावल का आटा है जो हमने 2 चम्मच ले रखा है। अरे दही, और ये दही तो हम क्या करेंगे बताओ एक बार ढंग से। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा मिक्स, सारा चीजें मिक्स करेंगे। ये सब मिक्स होगा। नमक भी डालेंगे। ठीक है मिक्स करके 1 घंटा रखेंगे हम इसको। ओके तो मम्मी करो फिर फटाफट मिक्स। तो सबसे पहले हम डाल देंगे सूजी, सूजी फिर मैदा। ये 2 चम्मच लिया, ये देखिए 2 चम्मच। 2 चम्मच थोड़ा सा ज्यादा ही है, 3 चम्मच करीब। चावल का आटा ज़्यादा था गाइस हमने, और अब डालेंगे इसके ऊपर दही। वैसे दही भी हमने घर की बनाया है, बाहर से नहीं बनाया। दही में जो पानी है वो भी हम डालेंगे 1 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें पानी लगेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी भी डालते जाएंगे। तो वह अपना डो बनी रहे, और थोड़ा हमने पानी भी डाला है इसके ऊपर, और भी डालेंगे पानी, और भी डालेंगे। तो मम्मी पतला बनाएंगे या गाढ़ा बनाएंगे? नहीं हिसाब से, हिसाब से। हाँ चिल्ला का जो बैटर होता है वो हिसाब से बनता है। किस हिसाब से बनता है? गाढ़ा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, मीडियम। मीडियम बीच का। तो गाइस अपना बैटर रेडी हो चुका है, अब हम इसको 1 घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा ये बैटर अपना रेस्ट करेगा 1 घंटा। तो गाइस अभी 1 घंटे के लिए साइड हो जाएगा अपना ये बैटर। एंड गाइस चिल्ला के अंदर जो हम वेजीज, जैसे हम शादी वगैरह में खाते हैं उन लोगों से वेजीज वगैरह डालते हैं अंदर, वो क्या डलेगा वो 1 घंटे बाद ही दिखाएंगे आपको। तो गाइस 1 घंटा हो चुका है, जैसे कि मैंने बोला था कि 1 घंटे बाद हमको आप मतलब मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या चाहिए वेजीज में। मैंने गाइस ये खोल चुका है, सूजी है इसलिए। गाइस हम वेजीज यूज़ करने वाले हैं गाजर, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, और ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हम छौंक में लगाएंगे, छौंक लगाएंगे कड़ी पत्ते को, जीरा के साथ और राई के साथ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम छौंक मार लेंगे जीरा और कड़ी पत्ते के साथ, राई भी डालेंगे, हम राई डाल देंगे, उसके ऊपर हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। गाइस जो हमने छौंक लगाया था कड़ी पत्ता, जीरा और राई, हम डाल देंगे बैटर के ऊपर, मिक्स करेंगे। गाइस एक और बात है कि हम ये सब जितने भी वेजीज है सब इसके अंदर डाल देंगे, हम मिक्स करके बनाएंगे, और हमें अलग से फिर बाद में कुछ नहीं डालना पड़ेगा जो है इसी के अंदर है। टमाटर भी डाल देंगे, प्याज डाल दिए, गाजर कड़ी डाल देते हैं, ये कड़ी पत्ता तो पहले डाल देंगे, ये है धनिया पत्ता, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखते हैं कैसा बनता है और टेस्ट में कैसे होगा। तो वैसे ये अपने सूजी का चिल्ला जो कि एकदम रेडी हो चुका है, आप इसमें चाहे तो अंडा भी मिक्स कर सकते हैं, पर हमने नहीं दिया है।
जैसे रोल बनता है इसके ऊपर अंडा डाल के मस्त बन जाता है, लेकिन हमने नहीं बनाया। और मैं थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा बना है। आप यहाँ पे मतलब कोई और भी चटनी ले सकते हैं, मस्टर्ड सॉस हो गया एंड काफ़ी अमेजिंग है। मतलब जो अंदर हमने वेजेस डाले हैं, वो जो कड़ी पत्ते का हमने छौंक डाला था उसका भी फ्लेवर आ रहा है बीच बीच में, तो इसलिए और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी तो बनाएं, टेस्ट करें और मैं कमेंट में बताएं या कैसी लगी आपको रेसिपी। थैंक यू सो मच।